Assalamualaikum guys, my name is Rabia और आप लोग देख रहे हैं हिजाबीज किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्वे सैंडविच। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और हमने चूल्हा जला लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं ऑयल, और ऑयल ये हमने तकरीबन एक टेबलस्पून भर के ले लिया है। और उसको आप इस तरह से पूरे पैन में चारों तरफ जो उसका पूरा गोल सिरहाने है उसमें ऐसे ऐसे करके फैला देंगे। अब इसको जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने लहसुन के छोटे छोटे जवे, एक जवे को हमने छोटा 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 चुना चुना काटा है और वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने एक टी स्पून तकरीबन लहसुन का पेस्ट जो है वो लेके वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन इसको 2 मिनट तो आप इसको मिक्स कर लें कम से कम। और इसको हल्की आंच में मिक्स करना है, कहीं ये लग ना जाए। और जब ये ऐसे हो जाएगा ना थोड़ा गोल्डनिश टाइप का सा, तो हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन जो है वो ब्रेस्ट पीस है, हाफ ब्रेस्ट पीस हमने लिया और उसको जूलियन कट में हमने काट लिया है, लंबा लंबा आप देख सकते हैं एकदम खूबसूरती के साथ। और अब हम इसको प्यार से मिक्स करेंगे। उसके अलावा हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक मिक्स करेंगे। फिर हमने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च पाउडर, और वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। उसको हम अच्छे से सारी तरफ फैला देंगे। फिर काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और फिर चिकन पाउडर हमने लिया 1 टीस्पून। उससे बहुत ही कोई टेस्टी जो है ना वो इसका जायका आने वाला है, निकल के आता है। फिर 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाल दिया है, सॉल्ट आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर हमने जो फूड कलर होता है वो 1 पिंच तकरीबन वो डाल दिया है इसके अंदर। और उसके बाद सोया सॉस जो है वो 1 टेबल स्पून भर के वो इसके अंदर डाल दिया है। और फिर इसको आराम से अच्छे से प्यार से मिक्स करेंगे 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 और करेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसको हम ढकेंगे नहीं, ऐसे ही बनाएंगे ताकि जो इसका सारा मसाला है वो अच्छे से इसके ऊपर रच जाए। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, ताकि ये देखें आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, सारा मसाला जो है वो इसने चूस लिया है और बहुत कम मुन्नू सा मसाला जो है वो साइड पर रह गया है। तो अब हम इसको उतार लेंगे क्योंकि चिकन भी हमारी गल गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको कितने प्यार से प्लेट में निकाल रहे हैं। ये अब जो मसाला जो बचा है ना चिकन का, इसको ज़ाया नहीं करना है, इसी में हम डालेंगे। हमारी 2 छोटी छोटी हमने अनियन काटी थी जूलियन कट में, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और जब मतलब वही लंबी लंबी, और उसके बाद फिर हमने एक जो है वो शिमला मिर्च थी हमारी, वो भी जूलियन कट में हमने काटी थी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और हमारा जो है वो एक टमाटर हमने लिया था, वो भी हमने जूलियन कट में काटा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हम इस मसाले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक तो मेन बात कि ये ज़ाया नहीं होगा, और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो इसका टेस्ट है ना मसाले का, वो इस सब्जियों में भी रच जाएगा। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साइड से भी मिक्स करेंगे, और एकदम जूसी वाला टेस्ट आएगा बहुत ज़्यादा मसाले का ना अंदर सब्जियों में भी। फिर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि जो है वो ये आराम से थोड़ा सा गल जाए, ज़्यादा नहीं गलानी सब्ज़ियों को वरना बहुत अजीब सी हो जाती हैं। बस हल्की सी खड़ी खड़ी रहने देनी है, उसी का टेस्ट आता है क्रिस्पी क्रिस्पी। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब हमने इसके अंदर हमारा जो चिकन हमने निकाला था मसाले वाला टान, वो इसके अंदर डाल देंगे। और फिर इसको आराम आराम से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से। खाने को जितने प्यार से बनाएंगे खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेगा, सच में ही। अब इसको आराम आराम से मिक्स करने के बाद हमने जो हमारा सॉस है वो रेडी करना है। हमने 3 टेबल स्पून इसके अंदर मायोनीज डाली है एक बाउल में, और हमने 1 टेबल स्पून केचप डाला है, और वो हम उसको सही से तरीके से सारी साइड से पूरा चूस चास के उसको निकालेंगे केचप को। जब वो निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हमारी 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर, हमारा जो काली मिर्च पाउडर था वो हमने लिया है देखें, और ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमारा सॉल्ट बहुत 1 पिंच कह लें, क्योंकि बहुत चुन्नू सा ज़रूरत होती है ताकि इसकी हल्की सी जो केचप वाली मिठास है वो थोड़ी सी कम हो सके। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तबीयत से मिक्स करें मिक्स करें मिक्स करें, बहुत प्यार से तबीयत से मिक्स करना है। और फिर एक मज़ेदार ट्रिक क्या करना है, एक शॉपर लेना है जो होते हैं घर में अवेलेबल इस टाइप का ना, जो सालन टाइप के रखने वाला शॉपर होता है, उसके अंदर ये हमने डाला। और ये हमारा जो बैटर है इसको हम पूरा डालेंगे इसके अंदर बहुत तरीके से, बहुत तमीज़ से, एक अच्छी मतलब उसके साथ क्या कहते हैं सलीके वाली लड़की के साथ, जैसे मतलब सलीकेमंद होते हैं ना वैसे वैसे उस तरह से आपने इसको डालना है सलीके के साथ।
जब आप इसको अच्छी तरह से पूरा डाल देंगे, देखिए साइड्स वगैरह पे रहना नहीं चाहिए पूरा। और अब ये देखें स्पून में था तो वो भी मैंने निचोड़ दिया। भाई ज़ाया नहीं करनी चीज़, डाल दो बस पूरी ना। और अब हम इसको ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि इसकी ऐसी चोंच टाइप होती है ना वो निकल के आ जाए। तो इसको दबाते रहेंगे ताकि बहुत ज़ोर से भी नहीं दबाना, पता चले शॉपर पड़ जाए, तो ऐसा सीन नहीं करना। लेकिन आप प्यार से आराम आराम से करना। और देखने बिल्कुल चोंच तक जो है ना वो पहुंच गया है इसका, जो बैटर है। तो अब हमने सम्बूली लेनी है, जो सम्बूली होती है बड़ी सी, जो ब्रेड होती है बन, सही है, बड़ा बन, ब्रेड नहीं बन। तो वो आपने इसको इस तरह से बीच में से काटना है। लेकिन ख्याल रहे कि ये आपको पूरा नहीं काट देना, थोड़ा सा साइड से छोड़ देना है, क्योंकि जो है वो जब हम इसको फिल करेंगे तो फिर वो एक पूरा वो आ रहा हो, बस एक चीज़ आ रही हो ना, तो आपको पूरी की पूरी नहीं काटनी। फिर अब यही जो हमने अपना एक चोंच टाइप बनाया था उसको हमने काट देना है उसकी चोंच को। और देखें इस तरह, और कितना आला तरीके से अब मैं इसको जो है ना वो प्रेजेंट करूँगी। देखें ओहो तबाही हो गया। खैर तो अब ये इस तरह से जो है ना वो हमारा जो सॉस है वो हमने इस पर लगा दिया, दूसरे वाली सम्बूली पे भी इसी तरह लगा दिया है। और जो हमारा ये मसाला है इसको तबीयत से इसमें भरना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा, जितना रिच होगा, उतना ही इसका टेस्ट मज़े का आएगा। ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बताते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। यम्मी। खैर इसको अच्छे से इसके अंदर डाल देना है, तबीयत से भर देना है, सही है। ये मतलब इतना है ये कि मैं इसको आराम से तीन सम्बूली पे भी कर लेती, और चाहती तो चार पे भी, लेकिन नहीं, मैंने इसको दो पे किया। और फिर इसके ऊपर जो हमारा सॉस है वो दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे। और ये क्योंकि हमने चोंच से डाला है, ये जो चुड़िया की चोंच टाइप होती है उससे डाला है, तो उससे देखिए कितना अच्छा सा जो है ना वो यूं 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 करके आया है। और ये हमारा सब सैंडविच तैयार हो गया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसकी शक्ल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें।